दोस्तों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार सभी अपने भाई बहनों को प्यार भरा नमस्कार करता हूं। और आज मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को ये जानकारी देना चाहता हूं, जो भोले बाबा का जो एक पर्व होता है जिसको हम लोग शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं, वह कैसे मनाते हैं उसके बारे में मैं आज अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों तक ये जानकारी भेजना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अगर अच्छा लगे, जानकारी अच्छा लगे, तो आप निश्चित ही लाइक सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं इसी तरह से आपको नया नया जानकारी आप अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया करूं। इसी के साथ अब मैं 24 लिंगों का जो ग्रंथ है उस ग्रंथ से शिवरात्रि का रहस्य आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ। इस देश में जितने प्रकार के पूजा पर्व व्रत उपवास पूर्वोत्सव प्रचलित हैं उनमें महाशिवरात्रि व्रत के समान प्रचार अन्य किसी का भी नहीं देखा जाता है। इस विराट हिंदू भारत के स्त्री पुरुष बाल वृद्ध प्रौढ़ प्रायः युवा सभी किसी न किसी रूप से इनके अनुष्ठान में रथ देखे जाते हैं। बहुत तेरे यथाविधि पूजादि न करते हुए भी उपवास करते हैं। जिनकी उपवास में कोई रुचि नहीं होती वे तो कम से कम रात्रि जागरण करके ही इस व्रत को पुण्य का कुछ भाग लेना चाहते हैं। सौर गणपत्य शैव वैष्णव और शाक्त प्रधानतः इन्हीं 5 संप्रदायों में विराट हिंदू समाज विभक्त हैं। इनमें से जो उपासक होते हैं अपने इष्ट देव को छोड़कर अन्य की उपासना प्रायः नहीं करते, परंतु इस शिवरात्रि व्रत की महिमा अलग है। शास्त्र में भी ऐसा ही भीत है तथा इसी विधान का आज तक पालन होता आया है कि संप्रदाय भेद को त्याग सभी मनुष्य इसका पालन करते हैं और इसके फलस्वरूप भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करना चाहते हैं। शिव पूजा और शिवरात्रि व्रत में थोड़ा सा अंतर है। व्रत शब्द के निर्वचन से हम समझ सकते हैं कि जीवन में जो वर्णीय है बार बार अनुष्ठान के द्वारा मनन वचन कर्म से जो प्राप्त करने योग्य है वही व्रत है। इसी कारण प्रत्येक व्रत के साथ कोई न कोई आख्यान जुड़ा रहता है। इन कथाओं में ऐसे ऐसे चरित्रों की बातें रहती है जिनके साथ उस व्रत की उत्पत्ति परिणीति और समाप्ति की संक्षिप्त इतिहास ग्रंथित रहता है। इसके अतिरिक्त इन कथाओं के द्वारा यह प्रमाणित होता है कि व्रत मानव जीवन में धर्म पिपासा का परितृप्त के लिए केवल बीच बीच में ही अनुष्ठान करने योग्य नहीं, बल्कि यह हमारे व्यवहारिक जीवन का एक प्रधान अंग बन जाता है। ईशान संहिता में शिवरात्रि व्रत के संबंध में कहा गया है, अर्थात माघ मास की कृष्ण चतुर्दशी की महानिशा के आदि देव महादेव कोटि सूर्य के समान दीप्ति संपन्न हो शिवलिंग के रूप में अभिभूत हुए थे। अतएव शिवरात्रि में उसी महानिशा व्यापिनी चतुर्दशी का ग्रहण करना चाहिए। माघ मास की कृष्ण चतुर्दशी बहुधा फागुन मास में ही पड़ती है। इंसान संहिता के मत से शिव की प्रथम लिंग मूर्ति उक्त तिथि को महानिशा में पृथ्वी से पहले पहल अभिमूर्त हुई थी। इसी के उपलक्ष्य में इस व्रत की उत्पत्ति बताई जाती है। इस श्लोक के महानिशा शब्द का एक विशिष्ट अर्थ है, ज्ञापक है। महर्षि देवल कहते हैं, चतुर्दशी तिथि युक्त 4 पहर रात्रि में मध्यवर्ती 2 प्रहरों में पहले अंतिम और दूसरे आदि की 2 घटनाओं की घड़ी ही महानिशा संज्ञा है। व्रत कथा में कहा गया है कि एक बार कैलाश शिखर पर स्थित पार्वती ने शंकर से पूछा कर्मनाकेन भगवान व्रतेन तपसापिवा धर्माथिका काम मुक्षना हेतुत्वं परितुष्टयाति। अर्थात हे भगवान, धर्म
अर्थ काम और मोक्ष चतुर्भुज तुम्ही हेतु हो, साधना से संतुष्ट हो, मनुष्य के तुम्ही इसे प्रदान करते हो। अतएव ये जानने की इच्छा होती है कि तुम किस कर्म, किस व्रत या किस प्रकार की तपस्या में आप प्रसन्न हो। इसके उत्तर भगवान कहते हैं, फागुन के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आश्रय कर जिस अंधकारमय रजनी का उद्देश्य होता है उसी को शिवरात्रि कहते हैं। उस दिन जो उपवास करता है वह निश्चित ही मुझे संतुष्ट करता है। उस दिन उपवास करने में जैसा प्रसन्न होता हूँ वैसा स्नान वस्त्र धूप पुष्प अर्पण से भी नहीं होता हूँ। उपयुक्त श्लोक से यह जाना जा सकता है कि इस व्रत का उपवास ही प्रधान अंग है। तथापि रात्रि के चार पहरों में चार बार पृथक पृथक पूजा का विधान की प्राप्ति होता है। प्रथम पहर में दूध शिव का किसान मूर्ति को, द्वितीय पहर में दधि द्वारा अघोर मूर्ति को, तृतीय पहर में घृत द्वारा वामदेव मूर्ति को और चतुर्थ में मधु द्वारा साधुजात मूर्ति को स्नान कराकर उनका पूजन करना चाहिए। प्रभात में विसर्जन के बाद व्रत कथा सुनकर अमावस्या को यह कहते हुए पारायण करना चाहिए। हे शंकर, मैं नित्य संसार की यातना से दग्ध हो रहा हूँ, इस व्रत से आप मुझ पर प्रसन्न हो। हे प्रभो, संतुष्ट होकर आप मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करो। शास्त्रीय अनुष्ठानों के मूल में सर्वत्र एक ही गूढ़ उद्देश्य निहित रहता है, क्योंकि शास्त्रों का कार्य ही यह है कि जो ज्ञात नहीं हो उसे ज्ञात करा दे। शिवरात्रि के व्रतानुष्ठान में शास्त्र कौन सा गूढ़ उद्देश्य निहित है वह अज्ञात तत्व को बतलाता है। यह हमें जानना चाहिए, नहीं तो अनुष्ठान की कोई सार्थकता नहीं रहेगी। परंतु इस अनंत हित तपस्वी जानने के पूर्व के साथ जो कथा संयुक्त है उससे संक्षेप में जान लेना आवश्यक है। वाराणसी के एक व्याघ्र शिकार के लिए वन में गया था। वहां अनेक मृगों का शिकार कर लौटते समय मार्ग में उसे थका मंदा किसी वृक्ष के नीचे सो गया। नींद टूटने पर देखता है कि संध्या हो गई है, चारों ओर भीषण अंधकार हो जाने से मार्ग नहीं सूझता। उस समय घर लौटना असंभव देखकर वह हिंसक जंतुओं से आक्रमण के भय से वृक्ष के ऊपर चढ़कर उसी पर रात्रि बिताने का विचार करने लगा। उस दिन भाग्यवश शिवरात्रि थी और वह जिस वृक्ष पर बैठा था बेल का था, उसी की जड़ में एक अति प्राचीन शिवलिंग था। व्याघ्र का शिकार के लिए बड़े सवेरे घर से बाहर निकल पड़ा था, तब उसने कुछ खाया नहीं था। इस प्रकार उसका उपवास भी स्वाभाविक ही सद गया था। इस अद्भुत मणिकांजन संयोग और महादेव आशुतोष होने के कारण बसंत की रात्रि में ओस की बूंदों से भीगा हुआ बिलपत्र व्याघ्र की देह से लगकर शिव उसकी लिंग मूर्ति पर जा गिरा। इससे आशुतोष के तोष पर पार न रहा, फलस्वरूप आजीवन दुष्कर्म करने पर भी अंतमाल ने उस व्याघ्र उस शिवलोक की प्राप्ति हुई। शिवरात्रि के व्रत के स्वरूप और उसकी कथा संक्षेप में यही है। अब इसके तत्व को समझने के लिए कुछ गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। शिव कौन है? ये केवल पौराणिक देवता है अथवा वेद में इनका वर्णन, वेद में भी इनका वर्णन मिला है। वेद में अनेक स्थलों पर इनका रुद्र नाम से उल्लेख हुआ है। साधन पक्ष में यही ब्रह्मवादियों के ब्रह्म संख्य मताब लंबियों के पुरुष तथा योग पथ में आरूढ़ होने वाले बालों के सहस्त्रार में स्थित प्रणव की अर्धमात्रा के रूप में कीर्तित हुए हैं। पुराणों में इनके अधिदैविक स्वरूप का अधिक विस्तार था। इसी विविध लीलाओं का वर्णन होने पर उसमें वही गूढ़ आध्यात्मिक तत्व अनंत हित है। शिवरात्रि व्रत में भी शिव का यही
दर्शनिक परिचय अंतः सलीला फाल्गुन की धारा के समान पतछन्न रूपेण प्रभावित हो रहा है। उसी स्वादु सुशील धारा में अवगाहन करने के लिए हमें और गहरे में गोता लगाना पड़ेगा। इस व्रत के उपवास की प्रधानता क्यों हुई, यह रात्रि में ही क्यों है होता है, चतुर्दशी और अमावस्या इन दो तिथियों के साथ इनका योग क्यों है, क्यों तथा पारण शब्द का यथार्थ अभिप्राय क्या है, इन सब बातों को हम एक एक करके जानने की आवश्यकता है। उपवास शब्द का अर्थ है, साधारणतः निराहार रहने को ही उपवास कहते हैं, किंतु इस निर्वचन के अंदर इसे वास्तविक अर्थ का भी संकेत वर्तमान है। धातु से कर्मवाच्य छन्य प्रत्यय लगने से आहार शब्द व्यात उत्पन्न होता है। इस व्यात व्युत पति के अनुसार जो कुछ है जो कुछ आहरण किया जाता है वह संचय किया जाता है वही आहार है। मन बुद्धि अथवा इंद्रियों के द्वारा जो बाहर से भीतर आहत संगीहित होता है उसी का नाम आहार है। स्थूल और सूक्ष्म भेद से यह आहार साधारणतः दो प्रकार का है। मन आदि के द्वारा संस्कार ही सूक्ष्म आहार है और पांच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा गृहित शब्द स्पर्श रूपादि स्थूल आहार है। इसके अतिरिक्त हम जिसे आहार कहते हैं वह चावल दाल व्यंजनादि सर्वथा स्थूलतर आहार है। उपवास का शब्द का धातु मूलक अर्थ है किसी के समीप रहना, सो यहाँ उसका अर्थ शिव के सामने समीप होना है। उपनिषदों में जिसे शांत शिवम दैत यच तुर्थ मन्यते कहा गया है उस शिव के समीप जाने से स्वभावतः ही जीवन और मन प्रण में ही समस्त रंगीन बत्तियां अपने आप से बुझने लगती है। इसी से उपवास का अर्थ होता है आहार निवृत्त अर्थात सूक्ष्म स्थूल एवं स्थूलतर आहार अत्यंत अभाव। यह उपवास यदि यथोचित रूपेण अनुष्ठित हो तो व्रत के बहिरंग अनुष्ठानों में कमी होने पर कोई भी हानि नहीं होती है। इसी कारण शिवरात्रि व्रत में उपवास ही प्रधान अंग है। तो दोस्तों इस प्रकार आज मैं अपने ब्लॉग में शिव उपास से क्या फायदा है, शिव उपास क्यों करना चाहिए, इसका मैं आप लोगों को 24 लिंगों का जो ग्रंथ है उसमें वर्णित जो ये शिव उपवास है उसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दिया हूँ। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही आज मैं अपने ब्लॉग को यहीं विराम देता हूँ। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों आज के मैं अपने ब्लॉग में आप लोगों को ये जानकारी देना चाहता हूँ, जो भोलेनाथ का लोग पूजा करते हैं उस पूजा में किन किन सामग्री का जरूरी होता है, और साथ ही हम लोग जो बाबा पर शिवलिंग पर जो प्रसाद चढ़ाते हैं तो किस शिवलिंग का प्रसाद खाना चाहिए और किस शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद किस रूप से चढ़ाया गया है वो नहीं खाना चाहिए, इसको मैं आज आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ। और जो मैं रख रहा हूँ जिस ग्रंथ से मैं रख रहा हूँ उस ग्रंथ का नाम 24 लिंगों का इतिहास है, और उसी ग्रंथों से मैं मुख्य बातें आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। तो अब मैं आज अपने ग्रंथ जो मेरे सामने में ग्रंथ है 24 लिंगों का इतिहास उस ग्रंथ से मैं आप लोगों को कुछ जानकारी अपने ब्लॉग के माध्यम से दे रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और आप लोग इस ब्लॉग को पढ़ें
जो पढ़ने के बाद ही किसी न किसी रूप से आपको जानकारी मिलेगी, और बिना जानकारी का कोई भी ज्ञान अधूरा रहता है। तो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार, मैं अपने सभी भाई बहनों दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार प्रणाम करता हूं, और आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रहा हूं, बता रहा हूं आप लोगों को, जानकारी दे रहा हूं। मेरे जानकारी को आप कम से कम अपने जीवन में उतारें तो आदमी का जीवन जो है सो धन्य हो जाता है। अब मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी देव पूजन में मनुष्य को, कोई भी देवता का अगर हम लोग पूजा करते हैं तो ये मुख्य बातें जो है सो हम लोगों को करना चाहिए। किसी भी देव पूजन में मनुष्य को स्नान आदि शुद्ध तो होना ही पड़ता है। यदि संभव और कठिनाई न हो तो पूजा करने वाले सिले को सिले हुए वस्त्र नहीं पहनाने चाहिए। आसन शुद्ध होना चाहिए। पूजा के समय पूर्व या उत्तर मुख होकर बैठ जाना चाहिए, संकल्प किया जाना चाहिए। शिव पूजन के लिए जो हम भगवान शिव की पूजा करते हैं उसके लिए निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना जरूरी होता है, ध्यान देना चाहिए। भस्म, त्रिपुंड और रुद्राक्ष माला, ये शिव पूजन के लिए विशेष सामग्री है जो पूजक के जो पूजा करता है उसके शरीर पर यह होना चाहिए। भगवान शंकर की पूजा में तिल का प्रयोग नहीं होता है, और किसी भी चंपा का फूल या उसको पुष्प कहिए वह नहीं चढ़ाया जाता है। शिव की पूजा में दुर्वा यानी द्वीप तुलसी दल चढ़ाया जाता है, इसमें संदेह नहीं है, नहीं किया जाना चाहिए। अवश्य ही तुलसी की मंजरियों से पूजा अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। शंकर जी के लिए विशेष कमल पुष्प और पत्र में बेलपत्र प्रधान है। भोलेनाथ जो है तो बेलपत्र से बहुत ज्यादा खुश होते हैं, किंतु बेलपत्र में कुछ ऐसा बेलपत्र होता है जो भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र में चक्र और वज्र नहीं होना चाहिए। बेलपत्र कीड़ों के द्वारा बनाया हुआ जो सफेद चिन्ह होता है उसे चक्र कहते हैं, और बेलपत्र के डंठल की ओर थोड़ा मोटा भाग होता है वह वज्र कहा जाता है। वह भाग को तोड़ देना चाहिए। कीड़ों से खाया हुआ कटा फटा बेलपत्र को भी शंकर जी की पूजा योग्य नहीं माना जाता है। आजकल के अभी तो सबसे जो है तो भोलेनाथ को कमल का फूल और धतूर का फल जो होता है या फूल भी, तो उसके लिए भोलेनाथ का विशेष जो है तो माना जाता है, विशेष सामग्री में आता है। किंतु सर्वश्रेष्ठ पुष्प है नील कमल, उसके अभाव में कोई भी कमल का पुष्प भगवान शंकर को बहुत प्रिय है। कुमुदनी पुष्प अथवा कमलिनी पुष्प का प्रयोग भी शिव पूजा में होता है। बेलपत्र चढ़ाते समय बेलपत्र का चिकना भाग मूर्ति की ओर रहे, इस प्रकार चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र में 3 से लेकर 11 दलों तक के बेलपत्र प्राप्त होते हैं, ये जितने अधिक पत्रों के हो उतना ही उत्तम है। किंतु यदि 3 में से कोई एक दल टूट गया हो तो वह बेलपत्र चढ़ाने योग्य नहीं है। तुलसी और बेलपत्र सर्वथा शुद्ध माने जाते हैं, ये बासी नहीं होते। कंद, तमाल, आंवला, कमल पुष्प, अगस्त पुष्प, ये भी पहले दिन तोड़ लाए और दूसरे दिन उपयोग में आते हैं, एक दिन में इनको बासी नहीं माना जाता है। भगवान शंकर के पूजन समय करताल नहीं बजाया जाना चाहिए। शिव की परिक्रमा में संपूर्ण परिक्रमा नहीं की जाती है। जिधर से चढ़ा हुआ जल निकलता है उस नाली को उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए, वहाँ ये उल्टी परिक्रमा की जाती है। दोस्तों, जैसे शिव जी का जो जल हम लोग चढ़ाते हैं शिव जी के ऊपर में, और जल का निकासी जहाँ होता है उसको कभी हम लोग नांगना नहीं, जिसको नांग के जो इस साइड से उस साइड चल जाते हैं उसको नहीं जाना चाहिए। जैसे हम लोग परिक्रमा करते हैं तो जहाँ तक उनका पानी निकलने का द्वार है वहाँ से फिर घूम के फिर दूसरे साइड से जहाँ तक उनका द्वार है वहीं तक परिक्रमा करना चाहिए, उनको नहीं लांगना चाहिए, ऐसा इस माने ग्रंथ में लिखा गया है। और जो बातें हम अपने ब्लॉग के माध्यम से बता रहे हैं वो पूजा के लिए जो है जो उत्तम है। भगवान शंकर पर अब हम प्रसाद के बारे में बता रहे हैं, जो किस ढंग का प्रसाद चढ़ाते हैं, कैसे माने शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और कैसे खाना चाहिए कैसे नहीं खाना चाहिए, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे
ये जानकारी अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण किया जाए या नहीं, इस संबंध में बहुत भ्रमित मति भ्रमित है। शिव के प्रसाद में चंद्र का भाग होता है। भगवान महेश्वर के मुख तेज से प्रकट होकर चंदेश्वर उनके वेद गणों में प्रधान है, इसीलिए उनका प्रसाद ग्रहण नहीं होता है। यह बात ठीक है, किंतु कौन सा प्रसाद चंद्र का भाग और कौन सा भाग नहीं है, यह बात विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रसाद के त्याग में भी बहुत बड़ा दोष शास्त्रों में वर्णित है। जहां कहीं भी शंकर की मूर्ति हाथ पैर वाली बनी हो, उसका प्रसाद ग्रहण किया जाना चाहिए। दूसरे देवताओं के प्रसाद के समान वह पवित्र है। किसी भी धातु से बने हुए शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद सर्वथा पवित्र है, वह ग्रहण करने योग्य है। यदि किसी दूसरी वस्तु से बना शिवलिंग हो और उसके ऊपर धातु का कालेश्वर चढ़ा हो, जैसा कि अनेक स्थानों में है, तो उस पर चढ़ा हुआ प्रसाद भी पवित्र होता है। जो प्रसाद शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ा है, सामने रखकर भोग लगाया गया है, वह प्रसाद पवित्र है, उसे ग्रहण किया जाना चाहिए। द्वादश ज्योतिर्लिंग, अष्ट उपलिंग, तत्वलिंग, स्वयंभूर लिंग जो स्वयं प्रकट है, किसी साधु महापुरुष के द्वारा स्थापित लिंग और नर्मदा के जल में से प्राप्त वानालिंग नर्मदेश्वर, इनके ऊपर चढ़ा प्रसाद भी पवित्र होता है। इसमें चंद्र का कोई भाग नहीं होता है, इसीलिए इसके त्याग में ही दोष है। जो पदार्थ उन शिवलिंगों के ठीक से ऊपर रख दिया गया है, जिस प्रसाद ग्रहण करना यहाँ वर्जित बतलाया गया है, केवल प्रसाद का उतना ही अंश सजाज्य है, किसी पत्ते पर अथवा बर्तन में मूर्ति से थोड़ा दूर रखकर जो भोग लगाया जाता है, वह किसी भी शिवलिंग को लगाया हुआ प्रसाद ग्रहण करने योग्य है। अब ऊपर के सब प्रकार के शिवलिंगों को छोड़कर साधारण पत्थर से गढ़े हुए लिंग, नर्मदा के अतिरिक्त किसी दूसरी नदी से प्राप्त लिंग अथवा मूर्ति अथवा केसर के अतिरिक्त दूसरे पदार्थों से बने मिट्टी, चीनी आदि के शिवलिंगों पर जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, उसे किसी को भी ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। इसे मन में चंद्र को अर्पित करके किसी जलाशय में प्रवाहित कर देना चाहिए। केसर चंदन मिला करके जो लिंग मूर्ति बनती है, उस पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण किया जाता है। यदि शिवलिंग गंडकी नदी में पाया गया हो अथवा शिवलिंग के समीप शालिग्राम विराजमान हो, तो शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद ग्रहण करने योग्य है। किसी भी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद यदि शालिग्राम को स्पर्श करा दिया जाए, तो वह ग्रहण करने योग्य है। भगवान शंकर की लिंग मूर्ति पर चढ़ाया हुआ प्रसाद, चाहे वह किसी लिंग पर चढ़ाया गया हो, शालिग्राम जी को अर्पित किया जा सकता है, क्योंकि भगवान विष्णु परम शैव है और उनके ही शिव का प्रसाद ग्रहण करते हैं। जैसे हनुमान जी श्री रघुनाथ जी का प्रसाद ग्रहण करते हैं, अतएव शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद शालिग्राम जी को अर्पित करते हैं, ग्रहण करने योग्य है। और फिर वह भगवान विष्णु का प्रसाद होता है। दोस्तों, आज का जो है पूजा का विधि और प्रसाद ग्रहण के बारे में मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों के सामने में बताया हूँ। अगर ये ब्लॉग आपको पसंद किया हो तो आप अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, यही आपसे निवेदन है। और मेरे ब्लॉग को देख से कम जो विधि मैं बताता हूँ, उस विधि को अपनाने का कष्ट करें। इतना ही के साथ मैं अपने ब्लॉग को यही विराम देना चाहता हूँ। जय भोलेनाथ, वंदे मातरम, भारत माता की जय।